नहीं, मैंने कई बार कहा है कि जो मेवे की सनत है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारी मैशत की रीढ़ की हड्डी है, और कहीं ना कहीं जो बीजेपी की सरकार है उसकी कोशिश है कि इसको ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। अगर आपको याद होगा पिछले साल कई दिन तक हमारी जो ट्रक भरी थी मेवे से, वो उसको रास्ते में रोका गया, नेशनल हाईवे पे रोका गया, और अब अमेरिकन एप्पल को जो उस पे ड्यूटी खत्म करके जो उसको लाया गया, यानी उसकी कीमत कम होगी। उसकी कीमत इसलिए कम है अमेरिकन एप्पल की क्योंकि उनको जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स वहाँ बहुत कम सब्सिडी पे मिलते हैं। अश्वारी उद्योग मेला, मतलब हमारे जो सब ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर है, वो बहुत महंगे मिलते हैं, इसलिए हमारी सेब की कीमत, उससे क्वालिटी भी बेहतर होती है और कीमत भी ज़्यादा होती है। आपको याद होगा जब मुफ्ती साहब थे तो उन्होंने टोल टैक्स माफ़ किया था, इसी के लिए उन्होंने एक मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को भी इंट्रोड्यूस किया था, जो ये जो खराब सेब था उसको खरीद के उसका जूस बनाते थे और हम उसको अपनी कीमत देते थे, जो ये सेब ये जो मेवा फरोश होते थे। तो और उसके साथ मंडियां कितनी बनाई मुफ्ती साहब ने, कोल्ड स्टोर वगैरह वगैरह। उनका मकसद यही था कि जम्मू कश्मीर की असली जो मैशत चलाता है, जो उसका इंजन है, वो यहाँ की मेवा सनत है। तो आज अमेरिकन सेब यहाँ लाके, मार्केट में लाके, इन्होंने इस मैशत को बहुत बड़ा जख्म पहुँचा रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं, और इससे हमारी जो है मैशत पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो हमने पहले भी इनसे अपील की है प्राइम मिनिस्टर से कि ये ना करें, इससे हमारे यहाँ बहुत नुकसान होता है, क्योंकि लाखों लोग जो बेरोजगार हैं वो इसी सनत के साथ काम करते हैं, यहाँ लाखों लोग इसके साथ काम करते हैं। तो इस तरह का जो है, अगर देना है बाइडन को कोई और तोहफा दे दे, तो अब जम्मू कश्मीर के लोगों का खून पसीना ही देना है क्या? चलिए 20 के बाद